लेती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने ना सुबह सुबह ब्रश व्रश कर लिया है, अभी बिटिया रानी जब सोई है, और मेरी आँख देखिए कैसे हो गई है, नींद हमारी नींद ना पूरी होने के कारण कैसे हो रखी है। और अभी सुबह के बजने वाले हैं 9:15 बाकी है 9 बजने में, और अभी मैं ब्रश करके आई हूँ। और ब्रश करने के बाद मैंने देखिए ये हल्दी ले रखी है। मैं सुबह सुबह हल्दी 1 चम्मच खाती हूँ, ये मेरी सास मम्मी बोलती हैं कच्ची हल्दी है, हल्दी पाउडर बना के घर पे ही पाउडर बना के डब्बे में डाल दी है, और मैं यही कच्ची हल्दी जब से मेरी बेबी हुई है, जब से बेबी आई है तब से मैं यही सुबह सुबह 1 चम्मच खाया करती हूँ। किसी किसी दिन नहीं खाती, भूल जाती हूँ मैं। और फिर मैंने ये लिया है चूरन, मतलब ये एसिडिटी के लिए है, बहुत अच्छा है, इससे गैस वैस नहीं बनती, इसलिए इसको भी मैं 1 चम्मच खाती हूँ। इसके बाद मैं फिर कुछ और खाया करती हूँ, जो भी ब्रेकफास्ट होता है। अच्छा तो नहीं आता खाने में, और मैं इसको ना गर्म पानी के साथ लेती हूँ, हल्दी को भी गर्म पानी के साथ लेती हूँ, और ये जो चूरन बना हुआ है इसको भी मैं गर्म पानी के साथ ही लेती हूँ। बिल्कुल भी हल्दी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है पलटी हो जाएगी, फिर भी मैं खा लेती हूँ किसी तरह करके। डेली खानी पड़ती हल्दी को। हल्दी को खाने के बाद ये वाला चूरन खाना पड़ता है, और ये होममेड चूरन मेरी ननन जी बनाई है, ये बहुत ज्यादा अच्छा है, जैसे कि मार्केट का होता है सेम वही टेस्ट। मेरे लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, शायद आप लोग भी सुने तो खुश हो जाएं, बट मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जब से सुनी हूँ ना तब से ऐसे लग रहा है वो दिन कितना नज़दीक आए। तो आगे आप लोगों को मैं वीडियो में बता दूंगी कि कौन सी इतनी बड़ी खुशखबरी है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ। अभी मुझे दवा भी खाना है, ब्रेकफास्ट करना है। जब तक मैं ब्रेकफास्ट करूंगी, दवा खाऊंगी, तब तक मेरी बिटिया रानी उठ जाएंगी, क्योंकि 9 बज रहा है, अभी सोई है कुछ टाइम हुआ, और फिर अभी उठ जाएंगी। हल्दी और चूरन खाने के बाद तुरंत मैंने लड्डू खा लिया था। अगर मैं लड्डू ना खाती ना तो मुझे पलटी हो जाती, इसलिए मैंने खा लिया था। और मेरे ना सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, ऐसे लग रहा था सर दर्द से फट जाएगा, क्योंकि बेबी की वजह से मैं सो नहीं पाई पूरी रात, इसीलिए मेरा सिर बहुत ज़्यादा दुख रहा था, एकदम भारी भारी सा लग रहा था। और अभी देखिए बिटिया रानी उठ गई हैं सो के। मैंने सोचा जब तक मेरी गुड़िया रानी सो रही है, मेरी बिटिया रानी, तब तक मैं हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ, अपने सर में तेल लगा लेती हूँ। हेयर वॉश तो मैंने नहीं कर रखा था,
बट मेरा ना सर बहुत ज़्यादा दुख रहा था, एकदम भारी भारी लग रहा था, इसलिए मैंने तेल लगा लिया था सर में। और मैं तेल लगा ही रही थी तो मेरी बिटिया रानी उठ गई, तो मैंने उनको फिर संभाला। फिर संभालने के बाद फिर से मैंने उनको रिलैक्स करके सुला दिया। मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं जिनका कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आपका ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, आप ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही हैं, ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही हैं, प्लीज़ ब्लॉग डालिए। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं ब्लॉग के लिए, तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो जा रही है। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, मेरी बिटिया रानी इतना परेशान कर रही है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता ब्लॉग बनाने का। और ब्लॉग बनाओ, एडिट करो, तब डालना होता है। जब से मेरी सोना आई है, मेरी बिटिया रानी, तब से मैं ना एकदम बेबस हो गई हूँ। मतलब कोई भी काम करती रहती हूँ ना, तो बस सोना रानी मेरी जो है बिटिया रानी, वो उठ के रोई रोई करने लगती हैं, तो मुझे उनको लेना ही पड़ता है। चाहे मैं खाती रहूँ, चाहे मैं नहाती रहूँ, चाहे तो मैं कुछ भी करती रहूँ, मुझे लेना ही पड़ता है। सासू मम्मी ले लेंगी, ननन जी ले लेंगी, तो ये शांति नहीं होती है। मैं चाहे जितना दूध वगैरह इसको पिला दूँ, फिर भी ये रोने लगती है, तो शांत होने का नाम नहीं लेती है। हालांकि पहले से बहुत ठीक हो गई है, रात में बहुत कम रोया करती हैं। जैसे कि रोती हैं तो मैं दूध पिला देती हूँ, तो 1 से 2 घंटे में सो जाती हैं। अब 4 से 5 घंटा नहीं जगती हैं मेरी सोना, तो पहले से तो अब ठीक हो गई हैं। लेकिन जब रोने लगती हैं तो मुझे अपने सारे काम छोड़ के इनके पास भागना ही पड़ता है। इतना कौन रोता है भाई, इतना कौन रोता है रानी बिटिया, इतना कौन रोता है बुड्ढा। हेलो, अरे अरे अरे, नहीं 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 नहीं, हाँ मम्मी ना पारी पारा खाए थे। नहीं आप चले खाए, ले रहा दूध पिया तो खा ले। चलो 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 भाई चलो। और आप लोगों को पता है, इन दिनों ना मेरे हेयर इतने ज़्यादा टूट के गिर रहे हैं, इतने ज़्यादा मतलब जड़ से गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई हूँ। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन सा हेयर ऑयल यूज करूँ, कौन सा ना करूँ, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हूँ। मैं अपने हेयर में ऑयलिंग बहुत अच्छे से करती हूँ, मतलब ऐसे मांग बना के फिर अपने फिंगर से लगाया करती हूँ और मसाज भी किया करती हूँ, फिर भी ना जाने कौन सी प्रॉब्लम हो गई है मेरे हेयर में, बहुत ज़्यादा गिरते हैं, एकदम परेशान हो चुकी हूँ मैं। तो मुझे कभी कभी लगता है कि बेबी हैं शायद इसलिए हो। आप लोग ज़रूर बताइएगा किस वजह से है। सुबह सुबह सासू मम्मी ने बिटिया रानी की मालिश करी थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा सीख लेती हूँ और बिटिया रानी की मालिश कर देती हूँ। तो जब मैं मालिश कर रही थी ना, तो मेरी बिटिया रानी बहुत ज़्यादा रो रही थी। मुझे लग रहा था मैं ना करूँ, फिर भी मैं उनको खिला खिला के मालिश कर रही थी, सीख रही थी। अब तो मुझे थोड़ा बहुत मालिश करना आने लगा है, पहले तो बिल्कुल भी नहीं आता था। जब मेरी बिटिया रानी पीछे साइड मालिश करवाती हैं तो बिल्कुल भी नहीं रोती हैं, चाहे जितना मालिश कर लो। और जैसे ही उनको टर्न करके आगे मालिश करने की कोशिश करो ना, वैसे ही वो इतना ज़्यादा रोने लगती हैं जैसे कि कोई कहीं से गिरा दिया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों नहीं बता रही हूँ कि कौन सी गुड न्यूज़ है, कौन सी खुशखबरी है जो कि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, बता क्यों नहीं रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैं जाने वाली हूँ मायके। आप लोग सुन के खुश हो गए होंगे ना, मैं मायके जाने वाली हूँ और बहुत जल्द जाने वाली हूँ। तो आप लोगों को अब मेरे मायके की वीडियो देखने को मिलेगी, मायके का ब्लॉग मिलेगा। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। बहुत ही जल्द मैं मायके जाने वाली हूँ, मतलब होली मैं मायके में ही करूँगी। मेरे मायके से बुलाने आ रहे हैं और इतने दिनों बाद मैं अपने ससुराल से मायके जा रही हूँ, मतलब अपने घर जा रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, ऐसे लग रहा है कितनी जल्दी वो तारीख आ जाए जितनी तारीख को मैं घर जाने वाली हूँ। मुझे पता है मैं कितनी तारीख को जाऊँगी, तो आप लोग वीडियो देखते रहिएगा, मैं आपको बता दूँगी मैं कितनी तारीख को जाने वाली हूँ। तो मैंने अभी तैयारी कोई भी नहीं कर रखी, पैकिंग वगैरह नहीं कर रखी है। मैं पैकिंग वगैरह करूँगी, घर से जाऊँगी
और कौन मुझे बुलाने आता है, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर से ज़रूर करूंगी। तो अभी देखिए बिटिया रानी की मालिश हो गई है और मेरी ना खुशी का कोई भी ठिकाना ही नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब ये सोच सोच के खुश हूँ कि मैं अपने घर जाने वाली हूँ। मैं जब से अपने ससुराल आई हूँ एक बार भी अपने घर नहीं गई, मुझे घर की बहुत ज़्यादा याद आती थी, वो मिट्टी का घर, वो सब लोगों के साथ बैठना, हंसना, बोलना, ससुराल में ये सब कहाँ हो पाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती थी अपने मायके को और अब मैं अपने मायके जाने वाली हूँ। और अभी देखिए मैं अपनी बिटिया रानी के साथ खेल रही हूँ। मेरी बिटिया रानी अब थोड़ा थोड़ा स्माइल करने लगी हैं, मतलब जैसे उनकी नज़रें टकराती हैं ना, जैसे वो मुझे देखती हैं मैं उनको देखती हूँ, तो मैं हंसाने की कोशिश करती हूँ तो वो मुस्कुराती हैं, हंसती हैं, इसलिए उनको खिलाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जब रोती हैं तब नहीं, जब खुश रहती हैं ना तो उनको खिलाने में बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं उनके साथ अब खेल लिया करती हूँ। आप लोग देखते होंगे कि मैं पहले इतने ज़्यादा नहीं खुश रहती थी, जब से मेरी गुड़िया रानी आई हैं तब से मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। अपनी बिटिया के साथ खेलती हूँ, अपनी बिटिया के साथ रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब अपनी इस दुनिया में मैं एकदम खो गई हूँ। मैंने अपनी बिटिया रानी को कहा कि कैमरे की तरफ देख लो बिटिया रानी, मामा, मौसी, नाना, नानी, भाई, बहन जो भी हैं आपके, उन सबको थोड़ा सा हंस के दिखा दो कि आप कितने प्यारे लग रहे हो। मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं जो मेरी सोना को बिल्कुल अपनी बिटिया मानते हैं, खुद को मेरी सोना की मौसी मानती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बिटिया को और मुझे इतना प्यार करने वाली मेरी YouTube फैमिली है। तो अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका दिल से धन्यवाद। वीडियो पे बने रहिएगा, आपको मेरे मायके की वीडियो अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी देखने को मिलेगी। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और आने वाली मेरी ब्लॉग का इंतज़ार करिए। बाय बाय यूट्यूब फैमिली।